हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी टॉक अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज़ बाइनरी सर्च ट्री एंड व्हाट आर ट्रांसवर्सल वेज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ये लेक्चर नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स। आई थिंक मैं एक लेक्चर थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, सो आप लोगों ने देख लेना हैंड आउट से। ये लेक्चर नंबर 13 है या 14 है। सो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है? इन बाइनरी सर्च ट्री नोड्स लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यूज़ लेस देन इट्स पेरेंट वैल्यू। जो नोड्स होंगी लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट चाइल्ड नोड होंगी, उनकी वैल्यू जो होगी पेरेंट वैल्यू से कम होगी, लेकिन राइट साइड नोड होंगी उनकी वैल्यू पेरेंट वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये क्या कहना चाह रहा है हम समझते हैं। हम जानते हैं कि एक रूट नोड है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। जो इसके लेफ्ट वाली वैल्यू होगी वो कैसे लेस होगी, राइट वाली कैसे ज़्यादा होगी। 6 यहाँ पर रूट नोड है, हम लोग देख रहे हैं 5 इससे लेस है, 1 इससे लेस है, क्योंकि लेफ्ट नोड लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है। इन केस हम देखते हैं 6 के राइट साइड वाली वैल्यू, नॉट राइट चाइल्ड, ठीक है। ये देख लें 6 से बड़ा है, लेकिन जो उसके लेफ्ट में आ गए नॉट लेफ्ट चाइल्ड वैल्यू, वो 18 से छोटी है, बाकी ये 18 से बड़ी है। अब बाइनरी सर्च ट्री यूज़ क्यों होता है? इसका जो बेसिक पर्पज़ है यूज़ करने का, ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। अब सर्चिंग के लिए यूज़ होता है तो सॉर्टिंग का भी हमें पता हो, सॉर्टिंग क्या होती है। अब बाइनरी सर्च ट्री के ऑपरेशन कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में जो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म, एक तो इंसर्ट करते हैं किसी एलिमेंट को, हम लोग जानते हैं हम पीछे ऑपरेशंस पर क्या हैं, ऐड रिमूव वाले। किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, और सर्चिंग कर सकते हैं, और सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग डन होती है बाइनरी ट्री में ट्रांसवर्सल इन बाइनरी ट्री इन ऑर्डर, ठीक है। उसका जो ट्रांसवर्सल होता है वो इन ऑर्डर होता है। सॉर्टिंग जो डन होती है बाइनरी सर्च ट्री में, उसका ऑर्डर होता है इन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल होता है बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टिंग का, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। सॉर्टिंग कैन बी डन बाय ट्रांसवर्सिंग, ये ट्रांस नहीं है, ट्रांसवर्सिंग है, ट्रांसवर्सिंग आप बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर, ट्रांसवर्स करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में, ठीक है। इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, और प्री ऑर्डर होता है, लेवल ऑर्डर होता है, ठीक है। हम सारों को रीड आउट करते हैं क्या होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें रूट पे 12 वैल्यू है, लेफ्ट नोड चाइल्ड लेफ्ट इससे लेस है, और जो राइट पे वैल्यू है 12 से बड़ी है, और 18 से छोटा है, और 21 18 से बड़ा है। ये राइट चाइल्ड का राइट लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, ठीक है। मैं पीछे बता चुका हूँ नोड लेफ्ट चाइल्ड नोड राइट चाइल्ड क्या होता है। सो LDR, हमने LDR से याद रखना है, ठीक है। इन ऑर्डर में जब ट्रांसवर्स कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री को, इन ऑर्डर में जब ट्रांसवर्सल कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री का, LDR हमने याद रखना है, DLR, LDR एंड एक और मेथड है, वो सारा आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन ऑर्डर क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। लेफ्ट डेटा राइट, एल से लेफ्ट, डी से डेटा, आर से राइट। अब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे असेस करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे? सॉर्टिंग का मतलब होता है ना एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने कहा था लेफ्ट पे जाएंगे, नॉट लेफ्ट साइड। लेफ्ट क्या है, ठीक है, वन पे गए, वन असेस कर लिया। उसके बाद हमने जाना है डेटा पे, जो उसकी रूट नोड होगी, जो उसकी नोड होगी, ठीक है, जहाँ से वो नोड आ रही होगी, हमने 9 असेस कर लिया। सिमिलरली फिर हमने कहा राइट पे जाना है, राइट पे तो कोई चीज़ नहीं है, सो हम कहाँ चले जाएंगे, 12 पे, ठीक है। यहाँ से ये लेफ्ट सबट्री हमने असेस कर लिया, हम 12 पे आगे 12 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कहा लेफ्ट पे जाना है, देखें ये रूट नोड है, उसके आगे नोड है, फिर उसके आगे भी तो लेफ्ट राइट पे नोड है, सो हम सबसे पहले लेफ्ट वाले को असेस कर लिया। फिर हमने डेटा पे गए, डेटा क्या है हमारे पास, 18 है, यहाँ पे 18 को असेस कर लिया। उसके बाद राइट वाले पे गए, 21 को असेस कर लिया। इस तरह ये सॉर्ट कर लिया हमने ट्रांसवर्सल अब बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, उसको समझते हैं। बाइनरी सर्च ट्री
ट्रेसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है। ट्रेसवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज टू असेस एवरी नोड ऑफ बाइनरी ट्री एट मोस्ट वंस। ज़्यादा से ज़्यादा हमने हर नोड को असेस करना है एक दफ़ा, यही होगा ट्रेसवर्सल बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इसमें ट्रांसवर्सल की कितनी वेज हैं वो देखते हैं। इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, लेवल ऑर्डर। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। देखें ये इसकी टेक्निक है याद करने की। देखें प्री ऑर्डर के लिए आपने याद रखना है DLR और इन ऑर्डर के लिए याद रखना है LDR, सिमिलरली LRD, ठीक है। डी यहाँ पे फ्रंट पे है या सेकंड पे है या थर्ड पे है, ठीक है। एल लेफ्ट राइट डेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखिए हमने एलिमेंट्स को कैसे असेस करना है, सबसे पहले डाटा असेस करना है, फिर लेफ्ट को असेस करना है, फिर राइट को असेस करना है। सबसे पहले डाटा में क्या है, रूट नोड में ए, हमने ए असेस कर लिया, ब्रैकेट नहीं लगानी आप लोगों ने। उसके बाद हमने असेस करना है लेफ्ट वाली वैल्यू। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, देखें इसके जो लेफ्ट में वैल्यू है वो हम लोगों ने असेस कर लिया बी। देखें ए के लेफ्ट में बी असेस करें। उसके बाद हमने राइट में जाना है, उसके राइट में जाना है, लेकिन बी जो है उसके आगे भी तो लेफ्ट में वैल्यूज हो, उसको असेस कर लिया डी को। उसके बाद हमने राइट में चले गए बी के। अब यहाँ मेन नोड यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको हमने बुला दिया, ई को असेस कर लिया। उसके बाद हमने क्या असेस कर लिया, के को असेस कर लिया। देखिए ई यहाँ पे मेन नोड ई है, उसके आगे भी दो नोड्स हैं लेफ्ट राइट पे, के असेस कर लिया, एल असेस कर लिया। सिमिलरली हम राइट सबट्री में आए, सबसे पहले हमने असेस कर लिया सी को, डाटा नोड को, ठीक है। उसके बाद हमने असेस कर लिया उसके लेफ्ट वाली को, फिर जब हमने लेफ्ट असेस कर लिया एफ को, लेकिन एफ के बाद हमने असेस कर लिया जी को, उसके आगे भी तो डाटा नोड है। जब हम दोबारा राइट सबट्री में उसके राइट वाली को असेस कर लिया, जो राइट वाली है उसका डाटा है जी, डाटा है डाटा से, फिर हम दोबारा लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, ठीक है। डाटा लेफ्ट राइट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन ऑर्डर डिस्कस कर लिया, तो इन ऑर्डर को डिस्कस नहीं करना मैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। पोस्ट ऑर्डर जो होता है उसमें हमने डिस्कस असेस करना है सबसे पहले लेफ्ट को, राइट को, फिर डाटा को। सबसे पहले देखना है ये रूट नोड है, ठीक है, उसके आगे भी बी है, ठीक है, उसके आगे भी नोड्स है। सबसे पहले हम उसमें असेस करेंगे लेफ्ट को, सी को असेस कर लिया, फिर डी को असेस कर लिया, फिर उसके डाटा नोड है जिनसे वो निकल लिया। उसके बाद हमने असेस करना है यहाँ पर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर हमने असेस किया, ये रूट नोड है, उसके आगे नोड है, ठीक है, उसके आगे भी तो लेफ्ट राइट है, सो हमने एफ़ को असेस कर लिया। देखिए ये भी नोड है, उसके आगे भी नोड्स है, तो फिर हमने उसके वहाँ पे भी उसके लेफ्ट वाले को असेस कर लिया। उसके बाद हमने उसकी डाटा नोड को असेस कर लिया जिनसे उसका लिंक है, जो मेन है उनकी नोड। उसके बाद हमने ई को असेस कर लिया, उसके बाद ए को असेस कर लिया। आप लोगों ने जस्ट ऑर्डर याद करना है, आप लोग एलिमेंट्स को असेस कर लोगे, एलिमेंट्स को लिख लोगे, प्रिंट आउट करवा दोगे, LDR, LRD एंड DLR, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।